जिसमें हमने चर्चा की थी मुख्यमंत्री के शक्तियों के बारे में और मुख्यमंत्री किस प्रकार से राज्य के कार्यपालिका में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगला जो अपना टॉपिक है वो है राज्य की न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट। स्टूडेंट, हमारे देश में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शासन के तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका महत्वपूर्ण अंग है जो न्याय कार्य की समीक्षा करता है और देश में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। देश का अपने देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली के अंदर जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसी प्रकार से राज्यों के राज्यों में भी न्यायपालिका का गठन किया गया है। राज्यों के जो सर्वोच्च जो न्यायिक संस्था है उसे हाईकोर्ट कहते हैं या उच्च न्यायालय कहते हैं, जो प्रत्येक राज्य में होता है। दो राज्य के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है और एक राज्य के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं राज्यों के हाईकोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, कि हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति किस प्रकार से होती है, योग्यताएं वगैरह किस प्रकार से हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए, आपको लिखा हुआ मिलेगा आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, दो या दो से अधिक राज्य के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे कि अभी व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है आर्टिकल 214 अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, जो दो राज्यों के लिए भी एक हो सकता है और एक राज्य में भी हो सकता है। वर्तमान अपने देश में जो हाईकोर्ट की जो संख्या है, उच्च न्यायालय की जो संख्या, वो कितनी है? 24 है, मतलब 24 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है? तो उच्च न्यायालय का जो गठन है वो आर्टिकल 216 के अंदर, अनुच्छेद 216 अनुसार उच्च न्यायालय का गठन मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना उचित समझे। ये आर्टिकल 216 के अनुसार बताएगा उच्च न्यायालय का जो गठन है वो मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा, जिसको समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों द्वारा उसका गठन होता है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनसे मिलकर के उच्च न्यायालय का गठन होता है। अगला पॉइंट है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीश नियुक्ति किस प्रकार से होती है? देखो, उच्च न्यायालय जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय में बढ़ा था, उसी प्रकार से उच्च न्यायालय में भी होता है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करता है, इसके लिए वे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। ओके, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करता है, इसके लिए वह उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श ले सकता है। अब मुख्य न्यायालय के अन्य न्यायाधीश नियुक्ति किस प्रकार से होती है? मुख्य न्यायालय उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श ले सकता है और कॉलेजियम पद्धति के माध्यम से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। मैं आपको पुनः दोबारा एक बार बता देता हूं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसके लिए वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श ले सकता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करता है, इसके लिए वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी ले सकता है और कॉलेजियम पद्धति से अन्य न्यायाधीश नियुक्ति की जाती है। ओके, अगला जो पॉइंट है वह न्यायाधीशों की योग्यता है। न्यायाधीशों की योग्यता क्या है कि वह कम से कम भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, वह पागल दिवालिया कोडी न हो, उस पर किसी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए, वो किसी लाभ के बदबराशि नहीं होना चाहिए, तो कॉमन योग्यताएं होती है। इसके अलावा उनमें योग्यता क्या होनी चाहिए, वह कम से कम किसी भी न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। इसके अलावा अनुच्छेद 217 के अनुसार 10 वर्षों तक, 217 की धारा 1 के अनुसार 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुको, वो उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। अगला है कार्यकाल। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? न्यायाधीशों का जो कार्यकाल 62 वर्ष का होता है, मतलब 62 वर्ष तक वो अपने पद पर रहते हैं, 62 वर्ष के पश्चात वो अपने पद से पदमुक्त हो जाते हैं अथवा वो स्वेच्छा से भी त्याग पत्र दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर उन्हें पद से हटाना है तो दोनों सदनों के विधान राज्य राज्य का जो
पार्लियामेंट हाउस है, राज्य की जो व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के जो दोनों सदन है, दोनों सदनों दो तीय बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। न्यायाधीशों द्वारा शपथ, देखो अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अगला न्यायाधीशों का स्थानांतरण, अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकता है। न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 90,000 रुपए प्रतिमाह और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपए प्रतिमाह, इसके अलावा अन्य सुविधाएं एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं। कुछ उन्मुक्तियां हैं, उन्मुक्तियों मतलब राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कोई भी निर्णय या फैसला है उस पर कोई भी उन फैसलों का विरोध नहीं कर सकता, अगर ऐसा करता है तो न्यायिक अवमानना के दोषी पाए जाने के कारण उसे दंडित किया जा सकता है। कुछ प्रतिबंध भी है, प्रतिबंध क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चाहे मुख्य न्यायाधीश चाहे अन्य न्यायाधीश हो, सेवानिवृत्त होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय में या उच्च न्यायालय में बतौर अधिवक्ता कार्य नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आज हमने उच्च न्यायालय का संगठन, उसका स्ट्रक्चर, उसका गठन किस प्रकार से होता है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनकी योग्यताएं, उनके शपथ, उनका स्थानांतरण, उनके वेतन भत्ते, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम उच्च न्यायालय के शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, पूरा देखें, जिसने भी वीडियो पूरा देखे वो यस सर करके जरूर जरूर कमेंट करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।